नमस्कार, मैं विजय कुमार सेन नव भारती स्टडी सर्किल में आपका स्वागत करता हूं। और आज फिर लेकर हाजिर हैं कुछ विशेष तथ्य, कुछ विशेष जानकारियां रीट 2020 के बारे में। बच्चों, रीट 2020 को लेकर के आपके दिमाग में कई क्वेश्चन उठ रहे होंगे कि क्या कुछ चेंजेस किया गया है। बाजार में, मार्केट में कई प्रकार की सूचनाएं आ रही है और उन सूचनाओं का समाधान लेकर के मैं आज आपके सामने हाजिर हूं कुछ विशेष तथ्यों के साथ, कुछ विशेष बिंदुओं के साथ। और मैंने उन तथ्यों को समराइज किया है कुल मिलाकर के 7 बिंदुओं के अंदर। तो हम उन 7 बिंदुओं के माध्यम से आपके मन में उठने वाली जिज्ञासा को शांत करने के लिए, आपके मन में उठने वाले प्रश्नों को शांत करने के लिए एक छोटा सा वीडियो तैयार किया है। तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास के अंदर रीट 2020 के बारे में आवश्यक जानकारियों के साथ। सबसे पहली बात, शुरू करने से पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत को और शिक्षा मंत्री श्रीमान गोविंद सिंह जी डोटासरा को, जिन्होंने राजस्थान के विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लिया और राजस्थान के विद्यार्थियों के फेवर में निर्णय लिया। जैसा कि पहला बिंदु मैं आपको बताने जा रहा हूं कि रीट 2020 में जो राजस्थान स्टेट के बाहर के विद्यार्थी हैं उनको इसमें अलाउ नहीं किया गया है, उनको इसमें मौका नहीं दिया जाएगा। मतलब सीधी सी बात है कि जो विद्यार्थी राजस्थान के अलावा दूसरे राज्यों से बिलोंग करते हैं उनको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। तो ये अच्छी बात है राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए कि कंपटीशन थोड़ा कम हुआ। दूसरी बात मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, वो दूसरी बात है कि पहली बार ऐसा हमें देखने को मिल रहा है कि कॉमर्स के विद्यार्थी जो है जिनके साथ अक्सर भेदभाव होता है सेकंड ग्रेड या फर्स्ट थर्ड ग्रेड के अंदर, उनको मौका नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पर गोविंद सिंह डोटासरा जी, वास्तव में उनका जो निर्णय था वो काबिल तारीफ था। उन्होंने उनकी आवश्यकता, उनकी शिक्षा को ध्यान में रखते हुए एक उचित निर्णय लिया कि कॉमर्स के विद्यार्थियों को भी अब की बार थर्ड ग्रेड में मौका दिया जाएगा। क्योंकि कॉमर्स के विद्यार्थियों को अक्सर शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की ओर। तो पॉइंट नंबर तीन कहता है कि बीएड होल्डर स्टूडेंट्स केवल सेकंड लेवल में ही अलाउ होते थे, लेकिन अब की बार ये चेंजेस किया गया है कि बीएड होल्डर स्टूडेंट्स सेकंड लेवल प्लस फर्स्ट लेवल दोनों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, दोनों में एग्जाम दे सकते हैं, उनके लिए विशेष मौका है। अदरवाइज पहले यह था कि बीएसटीसी होल्डर फर्स्ट लेवल दे सकते हैं और बीएड होल्डर सेकंड लेवल दे सकते हैं, लेकिन अब की बार बीएड होल्डर विद्यार्थी जो है वो सेकंड लेवल भी दे सकते हैं और फर्स्ट लेवल भी दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 की ओर। कई विद्यार्थियों के मन में संशय है कि सर सिलेबस को लेकर के क्या बदलाव किया गया है, तो पॉइंट नंबर 4 में आपको ये बता देना चाहता हूं कि सिलेबस को लेकर के चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया गया है, वही पुराना सिलेबस है। बस इसमें अगर बदलाव किया गया है तो ये है कि राजस्थान से जुड़ी हुई जानकारी का जो वेटेज है, राजस्थान से जुड़ी हुई राजस्थान इतिहास कला संस्कृति के पहले जो 10 क्वेश्चन पूछे जाते थे वहां पर 10 की जगह अब की बार 20 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो यहां पर राजस्थान से जुड़े प्रश्नों की संख्या बढ़ाया जाना निश्चित किया गया है।
बाकी सिलेबस में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। क्लियर। तो ये था फोर्थ नंबर सिलेबस जिसको लेकर के अधिकतर विद्यार्थियों के मन में चिंता रहती है कि सिलेबस में क्या बदलाव किया गया है। आगे हम बात करें तो ये तो सभी को पता है, लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो शायद पहली बार रीट का एग्जाम दे रहे होंगे, तो उनको मैं बता देना चाहता हूं कि रीट के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, नॉन नेगेटिव मार्किंग है। ऋणात्मक अंकन जो कि हर कंपटीशन एग्जाम में होता है, रीट के एग्जाम में कोई ऋणात्मक अंकन नहीं होगा, यहां पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। जो विद्यार्थी पहली बार पेपर दे रहे हैं उनके लिए ये विशेष जानकारी है, पॉइंट नंबर फिफ्थ। ठीक है, एक बहुत अच्छी बात आपके सामने और भी है और वो है पॉइंट नंबर सिक्स जो आपको बता रहा है कि वेटेज की बात करें तो वेटेज में पहले ये था कि 70% अंक जो है वो आपके रीट के होते थे, 30% अंक आपके ग्रेजुएशन के होते थे और दोनों को मिला करके फिर मेरिट डिक्लेयर होती थी। ठीक है बच्चों, अब की बार जो बदलाव किया है वो बदलाव ये किया गया है कि इस वेटेज प्रणाली को समाप्त करके रीट का पेपर पास आउट पूरा 100% में से होगा। ये जो ग्रेजुएशन का जो वेटेज है इस वेटेज को खत्म कर दिया गया है। यहाँ पर कोई 70% कोई 30% का मामला नहीं है, वेटेज को पूरी तरह खत्म किया गया है। पहले बीच में अनुमान लगाया जा रहा था कि वेटेज 10% रखा जाएगा, 5% रखा जाएगा, 20% रखा जाएगा, लेकिन अब वेटेज को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। ठीक है, और अब हम बात करते हैं जो कि बहुत अच्छी बात है पॉइंट नंबर सात की ओर, और पॉइंट नंबर सात जो है वो है पेपर को लेकर के। पहले दो पेपर होते थे, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। अब यहां पर आपको बता देना चाहता हूं कि बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा, और बहुत बहुत धन्यवाद देने का बार बार मन करता है हमारे मुख्यमंत्री जी को और शिक्षा मंत्री जी को कि जिन्होंने राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए उचित कदम उठाए और ये फर्स्ट और सेकंड पेपर को मिलाकर के एक ही पेपर कर दिया गया है कि अब आपको दो पेपर देने की आवश्यकता नहीं है, अब आपको एक ही पेपर में दोनों पेपर का मिक्सअप देखने को मिलेगा। तो ये बिंदु थे जिनको लेकर के अधिकतर विद्यार्थियों के प्रश्न आ रहे थे, अधिकतर विद्यार्थियों के मन में जिज्ञासाएं उठ रही थी कि सर पेपर दो होंगे या पेपर एक होगा, सर अब की बार वेटेज क्या होगा, क्या सेकंड लेवल के विद्यार्थी फर्स्ट पेपर फर्स्ट लेवल में एंट्री कर सकते हैं, सर क्या कॉमर्स वाले विद्यार्थी अब की बार अलाउ किए जा रहे हैं। तो आपको मैं बता देना चाह रहा हूं कि ये जो सारे जो टॉपिक्स आपको मैंने बताए हैं वो आपके सभी प्रश्नों का हल करते हैं। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको दी, मैं समझता हूं कि शायद आपकी जिज्ञासाओं को शांत किया होगा और आपके समस्याओं का समाधान किया होगा। बस आपसे एक ही उम्मीद है, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करने में, लाइक एंड शेयर करने में कंजूसी ना बरते, अपने अंगूठे का निशान लाइक की और सब्सक्राइब की और जरूर बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत।